आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो फास्टैग एनसीएमसी और यूपीआई लाइट के ग्राहकों को अब मिलेगा नया फीचर। आरबीआई ने रखा है प्रस्ताव, ऑटोमेटिक जमा हो जाएंगे पैसे। ग्राहक जो है जल्दी फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी और इसके अलावा यूपीआई लाइट में राशि जो है तय सीमा से नीचे जाने पर उसमें स्वचालित रूप से जो है पैसे डालने की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई मैंडेट रूपरेखा के तहत इन उत्पादों में स्वेता पैसा डालने की सुविधा देने का प्रस्ताव किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए शुक्रवार को कहा है कि निश्चित अवधि पर होने वाले भुगतान के लिए ई मैंडेट का चालन जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए फास्टैग और एनसीएमसी आदि में खुद से पैसे यहाँ पर डालने की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव पास किया गया है, यानी प्रस्ताव इसका किया गया है। वही ई मैंडेट क्या है तो बता दें आपको कि ई मैंडेट व्यवस्था के तहत बैंकों को भुगतान के लिए संबंधित ग्राहक के बैंक खाते से निश्चित राशि काटे जाने की जो अनुमति जो है वो दी जाती है। दास ने जो यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा है कि मैंडेट के तहत अभी दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आदि जैसे निश्चित अवधि वाले भुगतान के लिए जो है तय समय पर ग्राहकों के खाते से पैसे जो है यहाँ पर स्वयं यहाँ पर कट जाते हैं। इसमें ऐसी सुविधाओं व प्लेटफॉर्म को जोड़ा जा रहा है जिनमें भुगतान जरूरत होने पर यहाँ पर किया जाता है। ऐसे में भुगतान के समय और राशि जो है वो तय नहीं है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले लोगों के लिए आ रहा है नया फीचर, पहले से दुगना हो जाएगा मजा। व्हाट्सएप स्टेटस के शौकीन लोगों के लिए जो है मेटा जो है जल्दी एक नया फीचर लेकर आ रही है। वह इस फीचर के आ जाने के बाद आप किसी भी जो कॉन्टैक्ट जो है उसके साथ कितनी बार भी बातचीत करते हैं इसके आधार पर व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट जो है वो दिखाई देगा। यानी कि आपके फेवरेट लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस सबसे ऊपर जो है वो दिखाई देंगे और बाकी लोगों के नीचे दिखाई देंगे। वह व्हाट्सएप की नए फीचर को ट्रैक करने वाली जो वेबसाइट है वा बेटा इन्फो, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार मेटा के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म आपके पसंदीदा लोगों के स्टेटस को हमेशा जो है लिस्ट के टॉप में दिखाएगा। यह सुविधा पहले से कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है, आने वाले हफ्ते में जो है इसको बड़े लेवल पर रोल आउट किया जाएगा। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए ये बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एमडीएच एवरेज समेत चार बड़ी कंपनियों के मसालों के सैंपल फेल, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है केमिकल, स्टॉक होगा सीज। एमडीएच एवरेज समेत पांच कंपनियों के मसालों के सैंपल जो है फेल हो गए। इन मसालों में कीटनाशक जो है वो जरूरत से ज्यादा यहाँ पर मात्रा में मिला है। दरअसल राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है 8 मई को इन कंपनियों के मसालों के सैंपल जो है वो लिए गए थे। इसकी रिपोर्ट फेल हो जाने के बाद जो है यहाँ पर विभाग ने जो है मसालों के स्टॉक जो है उसको सीज करने का निर्णय लिया है। भाई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है शोभना सिंह, उन्होंने बताया कि राजस्थान के सभी जिलों से मसालों के सैंपल लेने के लिए 8 मई को विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत नामी कंपनियों के कुल जो है 93 नमूने लिए गए थे। राज्य की सेंट्रल लैब से आई जांच रिपोर्ट में इन मसालों में जो है जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कीटनाशक की मात्रा काफी अधिक जो है पाई गई थी। बता दें आपको कि जो ACS जो है उसने बताया है कि राज्य के सभी अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर अनसेफ पाए गए मसालों को सीज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही एमडीएच मसालों की फैक्ट्री हरियाणा एवरेस्ट और गजानंद मसालों की फैक्ट्री गुजरात में होने के कारण वहां खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। वह नई दिल्ली स्थित मुख्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी इन मसालों के लिए कार्रवाई के लिए पत्र जो है वो लिखा गया है। वही खाद्य सुरक्षा जो आयुक्त है उन्होंने बताया है कि जांच में एमडीएच एवरेस्ट और गजानंद सीबा ताजा जैसी नामी कंपनियों के मसाले जो है इनसे पाए गए हैं। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता, 9 जून को शपथ ग्रहण। पीएम मोदी ने कहा 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। पीएम मोदी ने जो है शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की संसदीय दल की लगातार तीसरी बार जो है एनडीए संसदीय दल के नेता जो है उनको चुना गया। वही पुराने संसद यानी संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में जो है सुबह 11 बजे जो मीटिंग जो है शुरू, इसमें एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। वही बैठक में एनडीए के सभी जो है 293 सांसद और राज्यसभा के सांसद और इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और इसके अलावा डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपा। वही बैठक के बाद मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर मिले। इसके बाद पीएम जो है शाम 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे। वह राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। इसके बाद मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा जो है नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने की वाली जो यहां पर लोकसभा जो है वो होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर आप नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि रोजाना जो है आपको इसी तरह की खबरें जो है मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।